आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में रक्षा बलों की गतिविधियों के उल्लेख के खिलाफ फिर आगाह किया है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन संबंधी परामर्श जारी किया है। आयोग ने कहा है कि चुनाव आज प्रचार जाति और सांप्रदायिक भावना के आधार पर नहीं होना चाहिए। मतभेद या नफरत को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए। परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि भाषणों या पोस्टरों में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा और किसी भी उपासना स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 39वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और डॉ. हर्षवर्धन ने आज पार्टी मुख्यालय में पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के स्थापना दिवस पर भाजपा परिवार को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रदेश स्थित बीजेपी कार्यालय में इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 39 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार स्थानांतरित होते रहते हैं। यही कारण है कि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और केंद्र के साथ अधिकांश राज्यों में हमारी सरकारें हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार इस समय चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ओडिशा के सुंदरगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। श्री मोदी आज ओडिशा के शोणितपुर, छत्तीसगढ़ के बालोद और महाराष्ट्र के नांदेड़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तराखंड के श्रीनगर, अल्मोड़ा और हरिद्वार में जनसभाएं करेंगे। उधर असम में लोकसभा के पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। इन दोनों चरणों में 10 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और बाकी की 4 सीटों के लिए तीसरे चरण में मतदान होगा। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक विभिन्न मुद्दों पर मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में जुटे हैं। सीधी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल ने आज अपना नामांकन पत्र भरा। इस अवसर पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश में सीधी सहित 6 लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भाजपा सांसद और अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जहाजरानी मंत्री रह चुके हैं। श्री सिन्हा ने भाजपा के टिकट पर 2 बार बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पटना साहिब से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया है। प्रदेश में आज शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ गुड़ी पड़वा और चीती चांद का पर्व परंपरागत उल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। आज से भारतीय नववर्ष शुरू हुआ है। राजधानी भोपाल में सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं पवित्र नदियों के घाट पर लोगों ने स्नान और पूजा अर्चना की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी गुड़ी पड़वा और चीती चांद पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इंदौर में गुड़ी पड़वा पर्व की शुरुआत रजवाड़ा पर सूर्य को अर्घ देकर हुई। इस मौके पर नगर के कई लोगों के साथ महाराष्ट्र समाज के महिलाओं ने हल्दी कुमकुम लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के मैहर स्थित मां शारदा के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहां प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं आगरमालवा जिले में चैत्र नवरात्र की शुरुआत घट स्थापना के साथ हुई। शाजापुर में राजराजेश्वरी मंदिर प्रांगण में आज से 15 दिन तक चलने वाला पारंपरिक मेला शुरू हो रहा है। शिवपुरी जिले सहित अनेक जिलों में चैत्र नवरात्रि पर्व पर देवी मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। साथ ही नववर्ष अभिनंदन के कई जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए भोपाल के सीआरपीएफ के जवान हरिश्चंद पाल का पार्थिव शरीर आज भोपाल लाया गया। टीकमगढ़ जिले में शासकीय संपत्ति पर लगाए गए विज्ञापन को संज्ञान में लेकर संपत्ति विरूपण की कार्रवाई के तहत 3 संस्थाओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल श्योपुर जिले में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।